विधायक संजय शुक्ला और पार्षद नीता शर्मा हुए आमने सामने। पार्षद के कार्यकाल से जनता में खासा आक्रोश। ड्रेनेज की समस्या से जनता परेशान। एकाएक पल्लव नगर क्षेत्र पहुंचे विधायक संजय शुक्ला। पार्षद नीता शर्मा पर भ्रष्टाचार और चोरी के लगाए संगीन आरोप। दो साल के अतिरिक्त कार्यकाल के बावजूद निष्क्रिय ही पार्षद। हवा हवाई नेता नीता शर्मा की निकली हवा। संजय शुक्ला ने तत्काल की सुनवाई। जेसीबी से शुरू करा काम। पार्षद के खिलाफ लगे जमकर नारे। सीवरेज के पानी के जमाव के कारण नारकीय जीवन जी रहे एरोड्रम रोड स्थित ओम विहार कॉलोनी के नागरिकों के लिए विधायक संजय शुक्ला ने मोर्चा संभालना पूर्व पार्षद को नागवार गुजरा और पूर्व पार्षद महोदया ने विधायक शुक्ला के साथ जमकर हंगामा किया। अपने पूरे कार्यकाल में सबसे निष्क्रिय साबित हुई पार्षद महोदय के ख्वाबों में एक बार फिर से पार्षदी छलक रही है जो सच होती नजर आई। विवाद के बीच विधायक ने नगर निगम के अधिकारियों को मौके पर बुलवाया और एक अवैध कॉलोनी का गेट तोड़वा कर इस पानी की निकासी करवा कर लोगों को राहत पहुंचाई। दरअसल पूरा मामला इंदौर के वार्ड क्रमांक 14 का है जहां के पलहर नगर जोनल कार्यालय के बाहर शुक्रवार को ओम विहार कॉलोनी के नागरिकों ने चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की जानकारी लगते ही विधायक संजय शुक्ला भी तत्काल मौके पर पहुंचे। विधायक शुक्ला से क्षेत्र के नागरिकों ने शिकायत की कि कॉलोनी से पिछले 3 माह से सड़क पर सीवरेज का पानी भर रहा है। इस बारे में उनके द्वारा कई बार नगर निगम में शिकायत की जा चुकी है। क्षेत्र की पूर्व पार्षद नीता शर्मा को भी शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए तैयार नहीं है। इस समस्या को समझने के लिए विधायक ने तत्काल वहां चक्का जाम समाप्त करवाया और खुद नगर निगम अधिकारियों को साथ में लेकर कॉलोनी पहुंचे। कॉलोनी में सड़क पर चारों ओर सीवरेज का पानी भरा हुआ था। गौरतलब है कि शहर में मच्छरों के काटने से डेंगू की बीमारी फैल रही है। नगर निगम और जिला प्रशासन जल जमाव न होने देने की अपील नागरिकों से कर रहा है। ऐसे में कॉलोनी में चारों ओर गंदा पानी जमा हो गया था जिससे रहवासी बुरी तरह हैरान परेशान थे। दरअसल इस कॉलोनी के पास में ही रामदयाल सिटी के नाम से एक अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रहा है। इस कॉलोनी में सड़कें ऊंची बना दी गई हैं और गेट लगा दिया गया है जिसके कारण ओम विहार कॉलोनी में भरा हुआ सीवेज का पानी नहीं निकल पा रहा है। जिसे देखते हुए विधायक शुक्ला और निगम अधिकारियों ने रामदयाल सिटी के गेट और एक दीवार को तोड़वाया जिससे सीवरेज का पानी निकलना शुरू हो गया। इसी बीच क्षेत्र की पूर्व पार्षद रही नीता शर्मा भी पहुंच गई और उन्होंने रामदयाल सिटी का गेट न हटाने के मुद्दे को लेकर हंगामा किया। उनका कहना था कि जो अवैध कॉलोनी बन रही है उसकी दीवार या गेट को नहीं तोड़ा जाए। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने विधायक संजय शुक्ला के साथ बहस करने की कोशिश की। यही नहीं पार्षद महोदय शर्मा ने विधायक के साथ तेज में आकर जिस तरह से बात की आप भी देख सकते हैं। दरअसल
क्षेत्र के रहवासियों का कहना है कि इस अवैध रामदयाल सिटी को अवैध तौर पर बनवाने में पूर्व पार्षद शर्मा का ही हाथ है। शर्मा ने क्षेत्र में विकास के कोई कार्य नहीं किए हैं और जब भी इन्हें किसी काम के लिए जानकारी दी गई तो बनता काम बंद हो जाता है। अपने पूरे कार्यकाल में पार्षद शर्मा के पास कहने और दिखाने के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। पूरे वार्ड की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि 5 साल से पार्षद शर्मा ने यहाँ कोई काम ही नहीं किए हैं। नीता शर्मा की दुर्गति उस वक्त हो गई जब दीवार तोड़ने के दौरान एक महिला इनसे शिकायत करने पहुंची तो शर्मा ने महिला को गले लगा लिया, लेकिन महिला ने शर्मा को कहा कि गले मत लगा, बस हमारा काम कर जाओ और बाद में मुंह मत दिखाना। गले लगाओ मत, भले जाओ मुंह मत दिखाओ, काम करवा जाओ बस। गले लगाओ मत, भले जाओ मुंह मत दिखाओ, काम करवा जाओ बस। गले लगाओ मत, भले जाओ मुंह मत दिखाओ, काम करवा जाओ बस। काम करवाओ। आज मुझे रहवासियों ने, जो ओम बिहार के रहवासी, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया था कि दीदी हम जौनपुर समस्या सुनाने जा रहे हैं, आप भी आ जाइए। तो मैं, हमारा जो मोदी जी का जन्मदिन का हवन चल रहा था, मैं उसको छोड़कर और रहवासियों के साथ जौनपुर जेडो, उनके यहाँ वाकई में पानी भरा हुआ था बहुत दिनों से, समस्या पानी, बारिश का पानी भरा हुआ था, समस्या थी, मेरे नॉलेज में थी। हम उसके लिए 15 दिन से प्रयास भी कर रहे थे और उसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच रहवासियों का फोन आया कि दीदी आप आ जाओ, हम जौनपुर जा रहे हैं। तो मैं उनके साथ उसी काम को करवाने के लिए जब जौनपुर गई तो वहाँ पर संजय शुक्ला जी अपने कुछ असामाजिक तत्वों को लेकर आ गए और आने के बाद में वो जो झेडोस, नगर निगम के झेडोस थे, उनको गाली बकने लगे बहुत गंदी तरीके से। तब भी मैंने उनकी बात को सुना। उसके बाद वो पूरे समय बीजेपी को कोसते रहे, नगर निगम के अधिकारियों को चोर बताते रहे, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे और लगाते लगाते वो जब एक लिमिट क्रॉस हो गई तो मैंने उनको बोला यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करें, जब ये 15 दिन से यहाँ पर समस्या थी तो आप देखने नहीं आए और आज आकर आप बीजेपी की कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जो यहाँ करने की नहीं है। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको इस तरीके से बिहेवियर नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हो उनके वीडियो में, उनके 50 वीडियो हैं, 50 वीडियो में से अगर आप निकलेंगे तो मीडिया थी, मीडिया के पास सारे वीडियो है। वो पूरे समय बीजेपी को कोसते रहे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे। मुद्दा था जनता की समस्या सुनने का, ना कि भ्रष्टाचार। और ये जो खजवाए हुए, इनकी सरकार चली गई, इनकी नगर निगम में चलती नहीं है, बीजेपी के लोग काम करते हैं, काम करने वाले हम वहाँ काम करते हैं, तो ये जाके खड़े हो जाते हैं, इनके लोग फोटो डालते हैं। जो काम बंद हो गए थे, हमने जो फाइलें बनाई थी कांग्रेस सरकार में, सारे काम बंद हो गए थे। 1.5 साल या 1 साल विधायक रहे, सारे काम बंद पड़े रहे। और ये वास्ता था कि भाई नगर निगम में पैसा नहीं है, जब जैसे ही हमारी सरकार है, हमने आप देख रहे हैं 60 फीट पे और काम चालू कराया, ये वहाँ जाते हैं तब भी ये वहाँ पे बात भी बात करते और जनता में कहते हैं ये हमारे काम है। देखिए, पल्ला नगर या माँ बिहार कॉलोनी हो या अशोक नगर हो या मतलब 60 फीट रोड हो, उस क्षेत्र का पूरा पानी इधर नीचे आता है, परंतु वहाँ बीच में एक नई कॉलोनी बन गई है। उस कॉलोनी की डैमेज, जो सड़क का सड़क और डैमेज, सड़क और पानी की लाइन है, उस कॉलोनी से जोड़ना चाहिए, क्योंकि बीच में पहले मैदान था वो, तो वहाँ से पानी निकल के आगे डैमेज मिल जाता था। परंतु वो नई कॉलोनी बनने के बाद 1 महीने से लगातार वहाँ पर डैमेज का पानी आगे नहीं जा रहा था। वहाँ गेट लगा दिए उनने, वहाँ पर कॉलोनी वालों ने, उस विवाद के कारण वहाँ लोग इतना पानी भर रहा था, डैमेज का पानी इतना पानी भर रहा था कि लोग वहाँ बीमार हो रहे थे, लोगों घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, या भी वहाँ जिन लोग ज़्यादा रहते, प्रदूषण चल रहे थे, गणेश उत्सव प्रोग्राम चल रहा, वो लोग इतना हाहाकार था कि लोग घबरा गए थे। उन लोगों चक्का जाम करने की स्थिति आ गई थी उनकी, लगातार मैं भी बोल रहा था कि भैया कुछ कराइए, और अधिकारी को इतना दबाव था कि मतलब वो डाल नहीं रहे थे। तो आज हम खुद सबने मिलकर वहाँ चक्का जाम किया, उसके बाद अधिकारी ले गए, अधिकारी ने मशीन से तोड़वाया गया और उसके बाद वो चालू हुआ। ये निजी कॉलोनी थी, निजी कॉलोनी किसी की नहीं होती है, वहाँ डैमेज हो या पानी हो या रोड हो, वो सबके लिए बराबर होती है। तो एक दूसरे कॉलोनी जुड़ी रहती है, वो हर आदमी रहता बंद, इनमें चारों तरफ उस कॉलोनी भी बंद कर दिया था, उसके डैमेज का पानी भी बंद कर दिया था, जो उस कॉलोनी दूसरी कॉलोनी पानी जाता वो भी बंद कर दिया था। उसको खुलवाने के लगातार 1 महीने से लोग पीछे लगे हुए थे, इनने खुलवाया नहीं, तो हम खुलवाने गए। तो उसके बाद वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो वहाँ पार्षद, पूर्व पार्षद रही हुई, वो लगातार अधिकारी दबाव बना रहे थे कि मतलब ये इन्हें नहीं होना चाहिए, वो उनका पर्सनल स्वार्थ था, उस कारण वहाँ पर आम जनता को परेशानी हो रही थी। तो उसके लिए आज आम जनता को परेशानी हो रही, हम सब मिल गए, उसको खुलवाया, अधिकारी को दबाव बना के कराया था, परंतु वो नहीं कर रहे थे, हम खुद तोड़ दे, परंतु आज वहाँ सब मिल के वहाँ तोड़ दिया वो, और आगे पानी चल गया। आज लोग आज वहाँ से सामान दिए। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी की, हम कांग्रेस से विधायक हैं, वो तो करती रहती हैं, आपको मालूम है। मैं कह रहा हूँ जिस वार्ड में, वार्ड 17 में रहती हैं,
हर आम जनता हो या किसी से बिना गाली दिए बिना कुछ बोले चाले बिना काम नहीं करती है, ये आम जनता जानती है। हम उसके लिए जानना चाहते हैं, हम कांग्रेस पार्टी की नहीं, हम हो विधानसभा एक का मैं विधायक हूँ, सभी मेरी जनता है, जनता मेरा भगवान है, मैं उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगी लड़ते हैं। पर तू निजी स्वार्थ के लिए ये कॉलोनी में पानी रोका गया था, आप जाएँ वहाँ जाकर देखिए, निजी कॉलोनी के कारण वो पानी पूरा रुका हुआ था, आज वहाँ पूरे सड़क खोद दी गई है, उससे पानी निकल रहा है, तो ये क्यों नहीं हो रहा था एक महीने पहले से? क्योंकि उनका वार्ड है, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, भारतीय नगर नियम नगर उनकी उनकी सब कुछ है, मुख्यमंत्री जी उनके उनके दबाव के चक्कर में सुधन गुप्ता जी की ये खास होने के कारण उस कॉलोनी वाले को फायदा देने के लिए ये सब चीज़ रोकी गई थी, परंतु आज हमने सब खुलवा दिया। एक क्षेत्रीय पूर्व पार्षद द्वारा अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाना और विधायक के द्वारा आम जन के लिए किए जा रहे कार्य को रोकने का प्रयास करना कहाँ की जवाबदारी है? क्षेत्र के ऐसे नेता ना तो अपनी जवाबदारी ठीक से निभाते हैं और ना ही किसी को कार्य करने देते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या नीता शर्मा मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले वार्ड के रहवासियों के भरोसे फिर से पार्षद पद के लिए दावेदारी करेंगी या अपने राजनीतिक आकाओं के भरोसे टिकट हथियाने में कामयाब होंगी।